हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। आज से स्टार्ट करेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या स्टार्ट करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखते हैं इसमें। अच्छा, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल लूज दियर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल टर्म एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात को समझिएगा, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल लूज दियर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ओवरलैपिंग एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल टर्म एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। कैसे मिलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल की सेम एनर्जी लेवल मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व। ये बात सही है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतना ही तो फॉर्मेशन होगा। हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी आर कॉल्ड बॉन्डिंग। अच्छा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल का नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और हाफ ऑफ आर हायर एनर्जी टर्म जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of various molecular orbital are governed by the same three rule. इसी तीनों रूल से फॉलो होगा, अबाउ प्रिंसिपल हुंड्स एंड पॉलीक्लूशन से। इसमें भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अच्छा, अगर वेव फंक्शन की बात करें, अगर हम कहें वेव फंक्शन के टर्म में अगर हम लिखें, हम कहेंगे वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस वेव फंक्शन ऑफ बी किसके लिए? यह है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के लिए। किसके? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें वेव फंक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो वेव फंक्शन ऑफ ए माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी करेंगे किसके लिए? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वेव फंक्शन। तो ए क्या है? तो वेव फंक्शन ऑफ एटम ए, बी क्या है? वेव फंक्शन ऑफ एटम बी। आगे हम बात करते हैं अपना, अगर हम कंपेयर करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर रिजल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव व्हेन दे आर एडेड। जब एडिशन होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और सब्ट्रैक्शन होगा तो एंटी बॉन्डिंग। जनरली इट डज नॉट हैव नोडल प्लेन, इसके पास नोडल प्लेन नहीं है। व्हाट डज इट मीन नोडल प्लेन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की जहां डेंसिटी जीरो हो जाए उसे क्या बोलेंगे? नोडल। तो इस वाले बॉन्डिंग में ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। इट ऑलवेज हैव अ नोडल प्लेन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। किस कहां? बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई लेड्स टू रिपल्शन बिटवीन टू एटम। एनर्जी ऑफ बीएमओ इज लेस, एनर्जी ऑफ ए बीएमओ इज हाई, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बीएमओ स्टेबलाइज अ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एबीएमओ डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। मतलब क्या? जिसकी एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा तो उसको हम बीएमओ बोलेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे देखते हैं, एज एटॉमिक ऑर्बिटल आर नोन बाय लेटर एसपीडी। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल, बात को समझिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम किससे शो करते थे? एस पी एंड डी से। इसी सिमिलरली फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वी यूज, फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के लिए हम सिग्मा पाई ऐसे दिखाएंगे और एंटी के लिए सिग्मा स्टार पाई स्टार दिखाएंगे। मतलब नोटेशन सेम रहेगा, मतलब नोटेशन दिखाने का अलग अलग रहेगा, जबकि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बस नाम बदले हुए हैं। अच्छा, जैसे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होगा? देखिए फॉर्म टू वे, पहला कॉम्बिनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल से सिग्मा बनता है, 1s 1s। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हुआ? यहाँ पे ओवरलैप देख रहे हैं, ओवरलैपिंग हुआ। ये इस अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ एंटी बॉन्डिंग होगा, इसी को हम नाम दिए थे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी ज्यादा थी इसलिए ऊपर। ठीक, हमने बोला तो नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जीरो हो,
ठीक इसी तरह अगर एडिशन किए, देखो प्लस प्लस है तो लोअर एनर्जी होगा, स्टेबल होगा तो बॉन्डिंग बनेगा, इसी के नाम सिग्मा वन एस दे दिया। क्यों वन एस से बना है सिग्मा, तो सिग्मा वन एस, इसकी एनर्जी ज्यादा तो सिग्मा स्टार। क्यों स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। क्या है एंटी बॉन्डिंग है, ये तो पहला है। दूसरा वे एंड ऑफ ओवरलैपिंग, और पी ऑर्बिटल से भी बनता है एंड, मतलब एक्सिस के अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, एक प्लस, ये नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है जीरो है, एंटी बॉन्डिंग रीजन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे इसको सिग्मा पी एक्स और सिग्मा पी एक्स, सिग्मा स्टार पी एक्स है, क्यों एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा पी एक्स मतलब कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, क्या है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। अब पाई कैसे बनता है देखिए, एक्सिस के अलोंग यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ये दो पी ऑर्बिटल हम कहें कि यहाँ ऐसे, इधर देखिए ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग ये और ये ओवरलैपिंग, अगर सब्ट्रैक्शन किए एंटी बॉन्डिंग बना और नोडल प्लेन, इसका पाई स्टार पी वाई या पाई स्टार पी जेड, क्योंकि वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं जेड पे भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर एडिशन करें हम, एडिशन करें तो क्या बनेगा पाई पी वाई और पाई पी जेड बन जाएगा। नोडल प्लेन क्या है यहाँ पे, नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन मतलब अलग अलग, यहाँ हम ये लोब्स हैं, दीज आर द लोब्स, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जबकि पाई स्टार वाई एंड पाई स्टार पी जेड है टू नोडल प्लेन, इसके पास कितने हैं टू नोडल प्लेन, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग और बिना स्टार वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। आगे बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर, अच्छा बियॉन्ड, जैसे हम बात करें एच टू एच ई टू एल आई टू बी टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, बात समझिए यहां से यहां तक हम क्या बोले हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक, हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होगा अलग बनेगा, और बियॉन्ड ओ टू मतलब ओ टू के बाद, मतलब ओ टू को भी लेके एफ टू एन टू एनी टू सॉरी एनी टू, इसका डायग्राम अलग। रीजन क्या है कि अचानक से जैसे एन टू से ओ टू आएंगे ना एनर्जी गैप बढ़ जाता है, क्या हो जाता है एनर्जी गैप बढ़ जाता है, एनर्जी गैप बढ़ने की वजह से जो यहाँ पे फॉलो होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक जैसे, और यहाँ पे जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे एक जैसे। अभी एक करवाऊंगा तो आपको क्लियर है, पहले हम ये ओ टू एफ टू एन टू एनी टू का देखते हैं, इसमें हम पहले ओ टू मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट करें। देखिए हमने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल तो यहाँ से 1s 1s दो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, तो एक नीचे एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग हुआ, ये क्या हुआ एंटी बॉन्डिंग हुआ, क्या हुआ एंटी। सिमिलरली 2s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, उसी तरह 2p का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये ऑर्डर देखिए 1s सिग्मा फिर 1 स्टार सिग्मा फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे सिग्मा 2pz, अब यहाँ पे इसके बाद पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, इसी तरह पाई टू पी एक्स पाई टू पाई स्टार, तो ये वाला पोर्शन एंटी बॉन्डिंग का हुआ, ये एंटी बॉन्डिंग हुआ और इधर हुआ बॉन्ड, नीचे वाला क्या हुआ बॉन्डिंग का। हम एक चीज यहाँ से एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एमओटी हमको बहुत कुछ सिखा देता है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर हमने बताया बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। जैसे O2 का ही निकालना हो तो O2 में पहले बॉन्डिंग का गिन ले, दो दो चार दो छ दो आठ दो दस, दस बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग का कितना 16 होता है तो 6 मतलब कितना आ जाएगा 4 और 2 बॉन्डिंग O2 का कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया नहीं दो दो चार दो छ दो आठ दो दस एक दो अच्छा दस दस, और एंटी बॉन्डिंग में दो दो चार पांच छ, तो दस में छ के चार हाफ तो टू, और ओ टू का ओ टू का ओ टू मॉलिक्यूल का हम अगर निकाले तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया टू, ओ टू मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया टू। यहां से देख लो भाई ना एक दो एंटी बॉन्डिंग है एक दो और तीन चार पांच छ, और एंटी बॉन्डिंग में दस और छ माइनस
ऑफ चार चार आ गया, ओ टू का कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, टू, ओ टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया टू, बॉन्ड ऑर्डर कितना गया टू। अगर इसी तरह अगर हम ओ टू प्लस का निकालें, ओ टू प्लस का 2.5, ओ टू का, ओ टू का हमारा टू आया, ओ टू प्लस का, ओ टू प्लस का, ओ टू प्लस ऐसे समझिए, अगर हम कहें कि बॉन्ड ऑर्डर ओ टू का टू आया तो ओ टू प्लस का कितना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा, 16 इलेक्ट्रॉन थे अब बचे 15, तो फिलिंग यहां से एक हटा दो, एंटी बॉन्डिंग एक गया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कितना बढ़ गया 0.5, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 5, तो 10 में से 5 गया और 2.5 आ गया। इसी तरह एक ट्रिक है, हम आपको बताएंगे आगे कि बॉन्ड ऑर्डर 10 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन के बीच कैसे निकालेंगे। और अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर, हमने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का, इसी तरह जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नोट करिए बॉन्ड ऑर्डर यहीं पे, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बॉन्ड लेंथ के। तो ऑर्डर देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी और उतनी कम बॉन्ड लेंथ। ये एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हमको सिखा देता है कुछ इसके एप्लीकेशन। इसी तरह आप ओ टू और भी डायग्राम एफ टू और एन टू का बनाइएगा, कमेंट करिएगा एफ टू एन टू। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेई में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेई में एमओटी को, आपको बनाने हैं बस यहाँ पे सिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अगर हम बात करें इसी तरह एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ, अच्छा एच टू से लेके हम कहाँ तक एन टू तक, ये एन टू का है, एन टू का हम देखें तो इसमें बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा टू पी जेड ये ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे क्या था सॉरी यहाँ पे यहाँ सिग्मा टू पी जेड ज्यादा, जबकि वहां पे क्या था सिग्मा टू पी जेड नीचे, बस चेंज कहाँ है यहीं पे, यही नोट कर लीजिए चेंज कहाँ पे, यहाँ पे क्यों चेंज है, ड्यू टू हाई एनर्जी गैप, वहां से एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है इसी वजह से, बस बाकी सेम होगा स्टेबिलिटी। आप इसमें भी देख लीजिए एन टू का बॉन्डर तीन, एन टू का मतलब दो तीन बॉन्ड से जुड़े हैं भाई, एन टू एक एक लोन पेयर है दोनों के पास, एक एक लोन पेयर है, तो एन टू क्या है बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड, जैसे एन टू का बॉन्ड ऑर्डर थ्री तो मतलब एन तीन बॉन्ड बनाता है, दो पाई एक सिग्मा बॉन्ड, इसी तरह आप बॉन्ड लेंथ बस यही रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन बॉन्ड लेंथ का। आप इसी तरह इसका बी टू सी टू और एन टू का आप एक बार क्लियर करिएगा। फॉर राइट, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के राइट करने के लिए क्या, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन टू दोनों एटम में, वही रूल पेयरिंग इन पी टू पी एक्स एंड पी टू पी वाई विल बी प्लेस ओनली व्हेन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी हैज वन इलेक्ट्रॉन, जितना कितना हो वन इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा कुछ ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर निकालना बता दिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एप्लीकेशन क्या है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड लेंथ क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर, बॉन्ड लेंथ इज यूनिवर्सली बता दिए हैं। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या हम कहें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पेयर्ड तो उसको क्या बोलेंगे डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड तो पैरा याद रखिएगा ऐसे, अनपेयर्ड यूपी याद रखिएगा यूपी यूपी, ट्रिक क्या है यूपी यूपी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होंगे, क्या होंगे पैरामैग्नेटिक, अगर डीपी अच्छा पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक, पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक, क्या पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होंगे, इतना याद रखिएगा बस एक याद रखिएगा कि यूपी यूपी मतलब भाई यूपी में यूपी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। अच्छा जैसे हाइड्रोजन का बनाया है ये डायग्राम एक बार आप देख लीजिए, इसी तरह एच टू प्लस का देख लीजिए एक एक सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एच टू माइनस, आप टेलीग्राम चैनल से के लिंक पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये हम आपको पीडीएफ दे दे रहे हैं। अच्छा हम कंपेयर करें वीबीटी और एमओटी में अंतर क्या है, प्रेजेंट आप याद कर लीजिए नहीं आएगा जेई में फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू वीबीटी इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड ओनली न्यूक्लियस, लेकिन MOT क्या बोल रहा है इलेक्ट्रॉन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाई, ऑर्बिटल आर मोनोसेंट्रिक जबकि ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक, इसके अकॉर्डिंग टू O2 डायमैग्नेटिक नहीं, O2 क्या है पैरामैग्नेटिक, रीजन क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या है पैरामैग्नेटिक, ये क्या है वीबीटी, क्या है डायमैग्नेटिक, क्या है डायमो। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ओ टू इज की पैरामैग्नेटिक है और ओ टू क्या है डायमैग्नेटिक इन नेचर है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, पहला द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम। ये बात तो सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, देखना द मोर स्टेबल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द लेस स्टेबल द कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही बात है ये भी। इन स्टेबल मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू दैट ऑफ एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही लग रहा है गलत है। लाइक एन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल ईच मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कैन एक्युमुलेट अप टू टू इलेक्ट्रॉन विद द अपोजिट स्पिन, ये सही है, आंसर नंबर थ्री इसका होगा। इसका आंसर क्या होगा थ्री, आंसर क्या है थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है इसका, इफ जेड एक्सिस, बात समझिएगा, इफ जेड एक्सिस इज द मॉलिकुलर एक्सिस, मान लेते हैं क्या है, बना ही लेते हैं, मान लेते हैं जेड एक्सिस क्या है एक मॉलिकुलर एक्सिस है, देन पाई मॉलिकुलर मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय द ओवरलैप। अच्छा पाई बनाना है तो भाई किससे किससे बनेगा, बात को समझिएगा, जेड एक्सिस है हमने बताया था, बस एक्सिस है पी वाई प्लस पी वाई, अगर पी वाई प्लीज, लेकिन एक्सिस क्या है जेड एक्सिस है, अब भी तो पाई ही बनेगा। एक चीज और क्या, पी एक्स हो सेम हो लेकिन एक्सिस तो जेड एक्सिस है तो क्या बनेगा पाई, तो आंसर इसका होगा सेकंड एंड फोर्थ, इसका आंसर क्या होगा सेकंड एंड फोर्थ, ये पहला ऑप्शन, ठीक याद रखिएगा, सेम एक्सिस होगा तभी सिग्मा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, If Z axis is taken as the internuclear axis Z, then which of the following combination of the atomic orbital is non-bonding? अच्छा कैसे, अच्छा कौन सा स्टार बनाएगा, क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है जेड एक्सिस है, क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, कौन सा कॉम्बिनेशन बता रहा है नॉन बॉन्डिंग बनाएगा, एस एंड पी वाई पूछ रहा है, एस एंड पी वाई, एस की कोई एक्सिस नहीं पी वाई, तो मान लेते ये है पी वाई पी वाई पी एक्स एंड डी वाई जेड पी एक्स एंड पी वाई, क्या हाँ ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग, अच्छा एस और पी वाई, क्योंकि क्यों एस और पी वाई इसलिए क्योंकि इंटरन्यूक्लियस जेड है, सेम होता तो सिग्मा बन जाता, पहला सही है, पी एक्स एंड डी वाई जेड एक्स है वाई जेड है एक्सिस अलग है, पी एक्स एंड पी वाई मतलब इसका आंसर क्या है ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, इफ द जेड एक्सिस इज टेकन एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसको इस क्वेश्चन को बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके स्टेबिलिटी के, इसका क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसका आंसर है बता दे रहा हूँ इसका आंसर तीसरा है, एक बार देख लीजिएगा H2 फिर H2 plus HE2 plus। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर इन Cu2 plus, बॉन्ड ऑर्डर आप एक बार डायग्राम Cu C2 plus, बॉन्ड ऑर्डर C2 plus का क्या आएगा 3 by 2 1.5 आएगा 1.5 देख लीजिएगा आप लोग, बॉन्ड ऑर्डर C2 अच्छा आप इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से देख लीजिएगा, करना क्या आप लोग को MO2 अभी हम पढ़ा दिए हैं, एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, एक एक डायग्राम आप याद कर लीजिए, जैसे हम कहें इधर N2 को याद कर लीजिए उधर O2 का, बस नीट में या JEE में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपको याद रहेगा तो आप फिलिंग करके तुरंत निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो स्टेबिलिटी और आपको बॉन्ड लेंथ निकाल मतलब निकल जाएगा, तो ये MOT बहुत हेल्पफुल होगा हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, उससे आप पैरामैग्नेटिक नेचर बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, ये हमारा एमओ टू था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगे उसी फ्रेंड को करिए जो भाई पढ़ने वाले होंगे, नहीं तो ऐसे बहुत वीडियो पड़े हैं, थैंक यू।